नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने गोभी के पराठे के साथ गोभी पनीर पराठा भी लेके आ रहे हैं, जो हम बहुत ही आसान है। जैसे हम गोभी का पराठा बनाते हैं, उसी तरीके से पनीर गोभी स्टफ पराठा भी बनाते हैं। उसके लिए आपको चाहिए पनीर 100 ग्राम, अदरक, नमक स्वाद अनुसार, हरा धनिया बारीक कटी हुई, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, एक चुटकी हल्दी, ऑयल, बटर। बस ये देखिए, ये आपका पनीर हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसको गोभी, प्याज, हल्दी, नमक इन सब के साथ, हरी मिर्च, धनिया इन सब के साथ मिला लेंगे। यकीन मानिए, जब आप इसे खाएंगे तो आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पनीर गोभी स्टफ पराठा, अगर आप इसमें चाहें तो थोड़ी मिर्ची और मिला सकते हैं, कलर अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये आपका गोभी पनीर स्टफ पराठा का सामग्री, इसका मसाला तैयार है। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो दोस्तों, कितना आसान है गोभी पनीर का मसाला बनाना। अब इसको हम आटे की बॉल बना के उसके अंदर भर लेंगे, स्टफ कर लेंगे। और उसको स्टफ करने के बाद, चूंकि हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये देखिए ऐसे हम बना लेंगे और उसको बेल लेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपकी रोटी, आपका पराठा बेलते वक्त फटे नहीं, क्योंकि उसमें जितनी भी चीज़ें अगर बाहर आ जाएगी तो फिर बाद में खाने में मज़ा नहीं रहेगा। और इसे मध्यम आंच में 2 से 3 मिनट तक, जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाता, क्रिस्पी नहीं हो जाता, आप इसे सेक लीजिए बटर के साथ या फिर घी के साथ, या फिर चाहें तो आप घी के साथ सेकने के बाद बटर डाल सकते हैं, या फिर बिना ऑयल के भी इसे खा सकते हैं। तो ये पनीर और गोभी के मिश्रण का पराठा है, इसे आप दही के साथ बहुत इंजॉय करेंगे। और अचार है, हरी चटनी है और सॉस है, किसके साथ भी खाइए आप, तो ये आपको हमेशा स्वाद देगा। क्यों त्रिशला जी, मामा जी, तो हम दर्शकों से इजाज़त लें। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार, शुभ रात्रि।